तम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है इसका ये माइक्रोमैक्स का मेरे पास में एक एलईडी टीवी है, ठीक है। और देख लीजिए माइक्रोमैक्स का है, ठीक है। मॉडल नंबर है 32T8361HD, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है, बैकलाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है। और आपको एक बार यहाँ देखिए, मैं खोल रखा हूँ इसको, ठीक है। इसको मैंने खोल रखा हूँ और इसका जो है सो यहाँ से बैकलाइट का सेक्शन है, देख लीजिए। और ये बैकलाइट में जो है सो प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं वोल्टेज यहाँ देखेंगे कि वोल्टेज मेरा यहाँ पर सही है, यानी 60 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर रिटर्न हो जाता है, होना चाहिए, सॉरी रिटर्न होना चाहिए। अगर यहाँ पर 60 वोल्ट मेरा बन जाता है तो ये मेरा बोर्ड ड्राइवर ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो हमारा ये ड्राइवर सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक। तो मैं फ़िलहाल इसको चेक करूँगा, चेक करने के बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इसमें लाइट लाइट हम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें लाइट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया, और इसको हम पलट के एक बार दिखा देते हैं। देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें कहीं हल्का सा दिखाई दे रहा है आपको, सही दिखता होगा। इसमें नो सिग्नल का प्रॉब्लम है, नो सिग्नल यहाँ पर देखिए हल्का सा लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं कि ड्राइवर में क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो मोबाइल को फ़िलहाल हम स्टैंड पर मीटर को हम यहाँ पर रख दिए हैं, और यहाँ से यहाँ पर हम देखेंगे मेरा जो है सो 60 वोल्ट बनता है या नहीं। तो देख लीजिए 29 वोल्ट के आसपास में है। इसको एक बार ऑन करके ऑफ करके हम ऑफ कर करके हम इसको ऑन करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ 60 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसको स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं। देखिए स्टैंड बाई से रिलीज किया 60 के बाद घटना लग चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। 52, 50, 40 ऐसे कम ना चालू हो गया। यह मेरा जो है सो ड्राइवर का समस्या नहीं है, बैकलाइट में कहीं प्रॉब्लम है। तो हम आगे का डिस्प्ले इसका हम खोल करके देखेंगे कि आगे का डिस्प्ले में मेरा कौन सा पैनल लाइट ख़राब है, ठीक है। तो उसको हम चेंज करेंगे अन्यथा रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको फ़िलहाल हम आगे का पैनल हम खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसका पैनल का जो होता है बैकलाइट का समस्या था, तो मैंने बैकलाइट को इसको सही कर दिया हूँ। और आगे का पोर्शन दिखा देंगे, बैटरी डाउन होने के कारण जो है सो हम आगे का प्रोग्रेस रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें सारा चीज़ मैंने लगा दिया हूँ, और देखिए इसको लगाना बाकी है, ठीक है। इसको लगा देने के बाद हम एक बार स्टार्ट करके आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने फाइनली बैकलाइट इसमें लगा दिया हूँ, और नो सिंगल का सैम्बल इस पर आया हुआ है, ठीक है। और प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया था कि लाइट कट जाने के कारण भी थोड़ा सा, और कैमरा का बैटरी भी लो हो गया था, इसलिए मैं शूट पूरा वीडियो नहीं कर सका। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बोर्ड वोड में ड्राइवर वगैरह सब मैंने चेक कर लिया, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बैकलाइट का समस्या था, और मैंने बैकलाइट को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद ये ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिया, चैनल पर नया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।